वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 की ट्रांसलेशन करेंगे। हेल्दी हैबिट्स सेहत बख्श आदात, हेल्दी हैबिट्स सेहतमंद या फिर सेहत बख्श आदात। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। व्हाट डू द पिक्चर्स हैव इन कॉमन, अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है, मुश्तरक है। क्लीनलीनेस सफाई इज कॉमन इन इट, इसमें क्लीनलीनेस सफाई जो है वो इनमें कॉमन है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, हमाद और फहद के दरमियान ये डायलॉग है। हमाद, फहद, व्हाई डिडंट यू कम टू द स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। ये डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको फिर पढ़ेंगे डिडंट। फहद, व्हाई डिडंट यू कम टू द स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। फहद, आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था। हमाद, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फहद, आई हैड टू टेक, मेरे दांत में दर्द था। हमाद, डिड यू गो टू द डेंटिस्ट, क्या तुम दांतों के डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को, क्या तुम दांतों के डॉक्टर के पास गए। टूथेक कहते हैं दांत में जब दर्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टूथेक। फहद, यस ही गेव मी, उसने मुझे दी द मेडिसिन, दवाई, उसने मुझे मेडिसिन दी, दवाई दी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमाद, ओके, लेट्स गो टू द क्लासरूम नाउ, लेट्स गो टू द क्लासरूम नाउ, आओ अब क्लासरूम की तरफ चलें या कमरा जमात की तरफ चलें। टूथी टोड, बड़े दांतों वाला मेंढक, टूथी टोड। व्हाट डू द अबव पिक्चर्स हैव इन कॉमन, जैसे हमने पहले जो पिक्चर्स देखी थी उन सब में कौन सी चीज़ कॉमन है। क्लीनलीनेस सफाई इज कॉमन इन इट, उसमें सफाई जो है वो कॉमन है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली, ये क्यों ज़रूरी है अपने दांतों को रोज़ाना ब्रश करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली टू प्रिवेंट गम डिजीज़, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, गम डिजीज़ मसूड़ों की बीमारियों को रोकने के लिए ब्रश करना ज़रूरी है। A long time ago, बहुत अरसा पहले। देर वाज़ा विजिट, एक जादूगर था। हु मेड अ न्यू स्पेल, जिसने एक नया जादू बनाया। हुएवर, जिसने भी इस्तेमाल किया द स्पेल जादू, वुड गेट परफेक्ट टीथ, उसे मुकम्मल दांत मिल गए। द विजिट डिसाइडेड, जादूगर ने डिसाइडेड फैसला किया टू यूज़ इट, इसे इस्तेमाल करने का, ऑन वन ऑफ हिज टूल्स, अपने मेंढकों में से किसी एक मेंढक पर उसने ये जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया। आफ्टर द स्पेल वाज कास्ट, जादू होने के बाद द टोच मेंढक बिकेम, बन गया अ वेरी स्माइली, बहुत मुस्कुराती, हैप्पी, खुशबाश क्रिएचर, मखलूक। जादू होने के बाद मेंढक एक बहुत मुस्कुराती खुशबाश मखलूक बन गया। नॉट ओनली, ना सिर्फ, कुड ही नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, नॉट ओनली, अब वो ना सिर्फ तमाम किस्म की खुराक खा सकता था, बट ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग, बल्कि उसने बोलना भी शुरू कर दिया। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ, विद द चेंज, तब्दीली के साथ खुश हूँ। रिपीटेड द टोट मेंढक ने दोहराई प्राउडली, फ़खर से, मेंढक ने ये बात फ़खर से दोहराई कि मैं तब्दीली के साथ खुश हूँ, कि ये जो मुझ में तब्दीली आई है इससे मैं खुश हूँ। आई प्रेफर, मैं तरजीह देता हूँ ईटिंग खाने को, कैंडी स्टाफियाँ, टू फीडिंग ऑन फ्लाइज, यानी कि मक्खियाँ खाने पर। आई प्रेफर कि मैं टाफियाँ खाने को मक्खियाँ खाने पर तरजीह देता हूँ, कि मतलब जो कैंडीज़ हैं वो उसे मैं खाने को प्रेफर करता हूँ मक्खियाँ खाने के बजाय। द विज़र्ड नोटिस्ड, जादूगर ने जायज़ा लिया दैट के द टोड वाज टेकिंग लिटिल केयर, के जो मेंढक है वाज टेकिंग, ले रहा था लिटिल केयर, बहुत कम तवज्जो कर रहा है अबाउट चूजिंग, इंतखाब करने के बारे में, व्हाट टू ईट, के क्या खाया जाए, कि जो द विजिट जो जादूगर है उसने ये जायज़ा लिया कि मेंढक खाने की चीज़ों का इंतखाब करने में बहुत कम तवज्जो दे रहा है। एंड ही कैप्ट ऑन टेलिंग द टोड, उसने क्या, उसने मेंढक को बताते हुए कहा, लुक आफ्टर
look after your teeth, Mr. Toad. के मिस्टर मेंढक, लुक आफ्टर योर टीथ, अपने दांतों की हिफाजत करो, अपने दांतों की देखभाल करो, ब्रश देम, उन्हें ब्रश करो, सो ताके यू डोंट गेट अ टूथेक, सो ताके यू डोंट गेट अ टूथेक, ताके तुम्हें दांतों का दर्द ना हो, ताके तुम्हें दांतों का दर्द ना हो, ब्रश देम, उन्हें ब्रश करो, क्या कहा कि मिस्टर मेंढक अपने दांतों की हिफाजत करो, उन्हें ब्रश करो ताकि तुम्हें दांतों के दर्द ना हो, दांतों की तकलीफ ना हो। अबाव और इसके अलावा डोंट ईट सो मैनी स्वीट्स, डोंट ईट, मत खाओ सो मैनी स्वीट्स, बहुत सी जो मीठी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी मिठाइयाँ जो हैं वो मत खाओ, मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ें जो हैं वो ना खाओ, इसके अलावा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाओ। However, ताहम द टोड डिडंट पे मच अटेंशन, मेंढक ने ज़्यादा तवज्जो ना दी, ही थॉट, उसने सोचा, हिज टीथ, उसके दांत, वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, कि उसके दांत उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत थे, ही लाइक्ड, उसने पसंद किया, एंड इंजॉयड, और लुत्फ उठाया स्वीट्स, मिठाइयों से, टॉफियों से, स्वीट्स मीठी चीज़ों को कहते हैं, सो मच, बहुत ज़्यादा, उसने पसंद किया और बहुत ज़्यादा मिठाइयों से लुत्फ, टॉफियों से लुत्फ उठाया, दैट ही डिडंट इवन ट्राई टू ईट लेस, दैट, हत्ता कि उसने उन्हें कम खाने की कोशिश भी नहीं की। वन डे एक दिन अटूथ, एक दांत स्टार्टेड, शुरू हो गया डिकेइंग, गलना सड़ना या उसको कीड़ा लगना, एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता द डिके, कीड़ा जो है स्प्रेड, फैल गया थ्रू आउट हिज माउथ, उसके पूरे मुंह में फैल गया। एक दिन उसके दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे मुंह में वो कीड़ा फैल गया। सून, जल्द ही द टोड मेंढक ने फैट महसूस किया, दैट के देर वार होल्स इन ऑल हिज टीथ, उसने महसूस किया कि होल्स हैं, सुराख हैं, इन ऑल हिज टीथ, कि उसके सब दांतों में सुराख थे, एंड दे वर स्टार्टिंग टू फॉल आउट, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, सब दांतों ने गिरना शुरू कर दिया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देम, उसने उनकी देखभाल करने का फैसला किया, बट लेकिन बाय देन, तब तक इट वॉज टू लेट, तब तक बहुत देर हो गई थी। वैन जब हिज लास्ट टूथ, जब उसका उसका आखिरी जो दांत है फेल आउट गिरा, ही लॉस्ट, उसने खो दी थी द एबिलिटी, सलाहियत टू टॉक, बोलने की, एंड ईट, और खाने की, ठीक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वैन जब हिज लास्ट टूथ, जब उसका आखिरी दांत फेल आउट गिरा, जब उसका आखिरी दांत गिरा, तो उसने बोलने और खाने की सलाहियत भी खो दी। मिस्टर टोट, पुअर, बेचारा, एग्री, मिस्टर टोट, मिस्टर मेंढक, अगर ही हैडन लॉस्ट दैट लास्ट टूथ, अगर वो आखिरी दांत ना खो चुका होता, ही कुड हैव टोल्ड द विजिट, तो वो जादूगर को कह सकता टू गिव हिम, के उसे दे न्यू टीथ, नए दांत दे, एंड वुड प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द न्यू वंस बेटर, तो वो उनसे नए दांतों की बेहतर हिफाजत करने का वादा करेगा। कि अगर तो बेचारा जो मिस्टर मेंढक था, अगर वो अपना आखिरी दांत ना खो चुका होता, तो फिर वो क्या करता कि जादूगर को कह सकता कि वो उसे नए दांत दे, और फिर उनकी वो बेहतर हिफाजत करने का वादा करेगा, एंड वुड प्रॉमिस, और वादा करेगा टू टेक केयर, हिफाजत करने का, ऑफ द न्यू वंस बेटर, कि जो नए दांत हैं उनकी बेहतर हिफाजत करने का वादा करेगा। नथिंग कुड बी डन नाउ लेकिन अब कुछ भी ना हो सका। देयर्स नथिंग मोर डिस्टेस्टफुल देन ईटिंग बग्स, के कीड़े मकोड़े खाने से ज़्यादा, कीड़े बग्स कहते कीड़े मकोड़ों को, कीड़े मकोड़े खाने से बदजायका कोई चीज़ नहीं थी, कि कीड़े मकोड़े खाने से बदजायका कोई चीज़ नहीं थी। वाई शुड वी ईट फ्यूर कैंडीज़, हमें कम टाफियाँ क्यों खानी चाहिए। वी शुड ईट फ्यूर कैंडीज़ फॉर द केयर ऑफ गम्स, कि हमें अपने मसूड़ों की देखभाल के लिए कम टाफियाँ खानी चाहिए। विल वी रिमेन हेल्दी बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, क्या हम अपने दांतों की देखभाल करके सेहतमंद रहेंगे। येस वी विल रिमेन हेल्दी, हम सेहतमंद रहेंगे बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम अपने दांतों की हिफाजत करके
सेहतमंद रहेंगे. यस वी विल रिमेन हेल्दी बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर टीम. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था, क्वेश्चन आंसर थे, उनके ट्रांसलेशन सब कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.